बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको ऑनलाइन फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। व्यूवर्स, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है और टॉपिक का नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या स्टेट करता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? उस क्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और मीडियम अराउंड दैट चार्ज, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इस डेफिनेशन को ब्रीफली समझने के लिए हमें गॉसेस लॉ की डेरिवेशन की तरफ जाना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट को भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक चार्ज क्यू है तो इसको अगर हमने एक सरफेस में इनक्लोज किया हुआ है तो इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या कैलकुलेट किया था? फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और मीडियम अराउंड द चार्ज के ऊपर। तो ये तो बहुत सिंपल केस था कि हमारे पास सिर्फ एक चार्ज था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों, अगर हम तमाम चार्जेस को एक सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दें, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम इंडिविजुअल चार्जेस के फ्लक्सेस को देखेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू चार्ज क्यू वन इज़ फाई वन, विच इज़ इक्वल टू क्यू वन बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज़ फाई टू एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू टू बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड सपोज़ हमारे पास यहाँ पे n चार्जेस इस सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ड्यू टू चार्ज क्यू एन वुड बी फाई एन एंड इट इज़ रिटन इन दिस वन फैशन क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हर एक चार्ज अपना एक इंडिविजुअल फ्लक्स क्रिएट कर रहा है और नेट फ्लक्स इस सरफेस के अंदर से कितना पास हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इन तमाम इंडिविजुअल फ्लक्सेस को ऐड अप कर देंगे। सो नेट फ्लक्स किस चीज़ के इक्वल होगा? समीशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फ्लक्सेस। व्यूअर्स, अब हर एक फ्लक्स की वैल्यू जो आपने यहाँ पे मेंशन की थी वो आप यहाँ से उठा के इधर पुट कर दें, ठीक है। अब 1/0 जो है ये क्या है? कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन से बाहर आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब आप इन तमाम हम अब इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर आई जो है आई रन्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है आई रन्स फ्रॉम 1 to n, इसको हम कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। अब व्हाट इज़ कैपिटल क्यू? कैपिटल क्यू इज़ एक्चुअली शोइंग यू द टोटल चार्ज, ठीक है। कैपिटल क्यू इज़ शोइंग यू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। देखिए ना, गॉसेस लॉ की यही स्टेटमेंट है ना कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स 1/0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, ओके। तो अब ये जो फाई टी है इसको फाई टी भी लिखा जाता है और इसको फाई ई भी लिखा जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बुक टू बुक ये जो ग्रीक लेटर है ये वेरी करता जाता है। तो व्यूअर्स, हमारे पास एक ये डेफिनेशन है फ्लक्स की अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, और हमारे पास एक और भी डेफिनेशन है फ्लक्स की जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, और वो है इस तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ए, ठीक है। सो हम ये दोनों डेफिनेशंस यूज़ कर सकते हैं फ्लक्स की। दिस इज़ एक्चुअली फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एंड दिस इज़ फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ओके। तो हम ये दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशंस, ओके। व्यूअर्स, अब हमने जो गॉसेस लॉ पढ़ लिया है तो हम गॉसेस लॉ को कहाँ कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूजेस ऑफ गॉसेस लॉ ये आता है कि हम गॉसेस लॉ को क्यों यूज़ करते हैं। तो जी, हम गॉसेस लॉ को इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकें ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन। ई हमें क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस वजह से पैदा हो रही है? डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से पैदा हो रही है। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि किस तरह की ज्योमेट्री, किस तरह की शेप में जो चार्जेस हैं वो इनक्लोज्ड हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ पे अब स्फेरिकल चार्ज कन्फिग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यहाँ पे चार्जेस एक फ्लैट शीट या फ्लैट सरफेस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पैरल प्लेट कन्फिग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो हम इस तरह की डिफरेंट टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं। ये बात याद रखें, गॉसेस लॉ को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज़ करने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकें डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, और मज़ीद नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।